क्या दोस्तों आप आपके मोबाइल में ऐड से परेशान है? जब भी किसी भी ऐप आप ओपन करती हो ऐड आ जाता है दोस्तों। तो आप आज से ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक खुफिया सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, जो सेटिंग आपके मोबाइल में करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकते हो दोस्तों, आपके मोबाइल में जो भी ऐड आते हैं दोस्तों, ऐड बंद हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ बैठे रहते हो और कुछ भी मोबाइल में देखते रहते हो और बहुत ही गंदी दोस्तों ऐड आता है, और आपको यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता कैसे किस तरीके से ऐड आता है दोस्तों। ये ऐड से आप परेशान हो और आप इस ऐड को बंद करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों और सही सुना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों। तो कैसे करना है वीडियो में पूरा बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू साहिल फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे वीडियो के नीचे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको एक लाइक का बटन मिल जाएगा, तो इस खुशी में आपको एक लाइक जरूर कर देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और साथ में जो घंटी है घंटी में आपको ऑल में दबा के रखना है, और नीचे आना है पब्लिक कमेंट पे। आने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है या कुछ भी दिक्कत हो रहा है प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। नहीं तो नाइस या गुड वीडियो लिख कर कमेंट करके भेज देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको ऐसे दो प्रोसेस, ऐसे दो सेटिंग दिखाऊंगा, जो सेटिंग आपके मोबाइल में ऐड का ऑन करोगे दोस्तों, कभी आपके मोबाइल में जो बैकग्राउंड में ऐड आता है दोस्तों, ऐड आना ही बंद हो जाएगा दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होता है आप फैमिली के साथ बैठकर कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो, कोई भी ऐप आप चला रहे हो और ऐड के अंदर कभी कभी ऐसा गंदी ऐड आता है, आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ पे बोल नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे शर्म आता है दोस्तों, क्योंकि इतना गंदी ऐड आता है ना दोस्तों। तो ये ऐड को आप कैसे आपके मोबाइल में कैसे हटाओगे दोस्तों, ये आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपके मोबाइल में क्रोम होगा, सबसे पहले आपको ये सेटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल में क्रोम है दोस्तों, आपके मोबाइल में क्रोम होगा, क्रोम पे आपको चले जाना है, और चले जाने के बाद इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा देख सकते हो, और यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हो, सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका क्रोम का जो सेटिंग है दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा शो हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके मोबाइल में दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हो तीन नंबर पे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक ऐड प्राइवेसी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा देख सकते हो, ये तीनों ऑप्शन आपके मोबाइल में ऑन रहेगा देख सकते हो, ये भी ऑन है। तो ये तीनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफ कर देना है, यहाँ पे मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बैक पे चला जाता हूँ, फिर से ये जो दो नंबर ऑप्शन है इसको भी मैं ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पे तीनों ऑप्शन को देख सकते हो मैंने ऑफ कर दिया। तो आप भी दोस्तों आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में क्रोम में ये सेटिंग में जाना है, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीनों ऑप्शन को आपको ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पहला वाला सेटिंग मैंने दिखा दिया, और एक सेटिंग आपके मोबाइल में करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको मोबाइल में जो सेटिंग है यहाँ पे आपके मोबाइल सेटिंग पे कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल में सेटिंग पे आ गया हूँ। तो आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च लाइन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सर्च बार मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, प्राइवेट DNS करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट DNS, तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट DNS करके एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट DNS पे चले जाना है, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हो VPN के नीचे ही एक ऑप्शन मिल रहा है प्राइवेट DNS करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो एक नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऑटो के नीचे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है DNS. तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख दिया DNS, यहाँ पे लिखना है डॉट लिखना है, और डॉट लिखने के बाद AdgurD.com, तो यहाँ पे आपको लिखना है, और लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है इसको, यहाँ पे देख सकते हो सेव कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया देख सकते हो, मॉडिफाई कर दिया। तो ये आप जब करोगे दोस्तों, मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों, यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो अभी आप कोई भी ऐप को ओपन करोगे, यहाँ पे देख सकते हो मैं कोई भी ऐप, यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग ओपन करता हूँ ऐड नहीं आता है, यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ देख सकते हो ऐड नहीं आ रहा है। तो पहले जब भी मैं ओपन करता था दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड आता है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और कुछ, यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम भी ओपन करता हूँ ऐड नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टारा बॉक्स, यहाँ पे भी देख सकते हो उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऐड नहीं आया है। तो दोस्तों ये जो आपको ट्रिक दिखाया है, ये ट्रिक आपके मोबाइल में करोगे, ये दो सेटिंग करोगे, तो आप हमेशा के लिए आपका जो ऐड का प्रॉब्लम है, आप ऐड से परेशान है, तो आप सॉल्व कर पाओगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।